हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अभी निकल करके आ रही है, और एक बहुत ही अच्छी न्यूज है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे जिन लोगों ने अभी तक अपना असाइनमेंट जमा नहीं करा होगा। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी डेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन हो आपको सबसे पहले तो, कि आपकी डेट जो है उसको एक्सटेंड करा दिया गया है 5th ऑफ फेब्रुवरी तक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम इग्नू की वेबसाइट पे हैं। राइट, नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन एंड इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जर्नल, प्रैक्टिकम, DEC 4 एंड DEC प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड टिल 5th ऑफ फेब्रुवरी 2022। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट, एंड लेट मी शो यू दी यू नो दी नोटिफिकेशन इटसेल्फ। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो है, उसके कारण से इसको खोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बट फिर भी एक ओवरऑल जो जो टॉप जो मुझे आपको बताना था वो ये बात थी कि जो आपका डेट है, सबमिशन का डेट जो है वो 5th ऑफ फेब्रुवरी हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास टाइम बहुत है अब अप्लाई करने का, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और आई होप कि आपने लिख तो लिया ही होगा पहले अपना असाइनमेंट, बस आपको अप्लाई करना बाकी होगा। इन केस अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो देखो, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन, लेट मी शो यू द होल नोटिफिकेशन एंड रीड इट आउट टू यू, एंड हियर इट इज। I'm so sorry for the delay, man. I don't know why it is happening. I have a good connection of internet, but I don't know why it is happening. खैर, तो मैं जो बता रहा था आपको कि जी हाँ, डेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। 5th ऑफ फेब आपका लास्ट डेट है। 5th ऑफ फेब को आप बहुत ही इजिली, उससे पहले जो है बहुत ही आसानी से जो है आप अपना सबमिशन कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स का। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो असाइनमेंट को सबमिट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में आपको आपका जो स्टडी सेंटर है वहां पे आपने विजिट करना है, वहां पे विजिट करके जो है आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। और जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है। सिंपली आपको जो है ऑनलाइन जो लिंक दिया गया है, जो मेल आईडी आपको दिया गया है, वहां पे आपको सबमिशन करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लिंक ऑफ सबमिशन पोर्टल, है ना। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वेरियस लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पे आप जाकर के अपना जो है यू नो असाइनमेंट एंड वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं आप उसको सबमिट वहां पे कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इसकी असाइनमेंट सबमिशन के लिए लिंक नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से ये लग रहा था कि सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जो आप लोगों ने करा है, इंटर्नशिप जो आप लोगों ने करा है, उसको करने के लिए दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था उसमें ये भी लिखा हुआ है कि असाइनमेंट को भी आप सबमिट कर सकते हो, है ना। तो असाइनमेंट का भी डेट है लेकिन वो लिंक यहाँ पे नहीं है, है ना। उसके लिए आपको जो आपका रीजनल सेंटर है वहां उसका उसका जो वेबसाइट, आपको वहां खोल करके चेक करना होगा। वहां पे जो मेल आईडी प्रोवाइड किया गया होगा उस मेल आईडी पे आपने सेंड कर देना होगा। देखो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये मैंने जूम इन कर लिया। यहाँ पे देखो एक नंबर पॉइंट, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑनलाइन थ्रू ईमेल एज वेल एज ऑफलाइन फिजिकल तरीके से, जो मैं बता रहा था आपको, फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 दिसंबर फॉर ऑल प्रोग्राम्स, इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 5th ऑफ फेब्रुवरी 2022। सो इट इज अ वेरी ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, आई गेस। सो जो भी जिन लोगों ने भी अभी तक सबमिशन नहीं करा था, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना सबमिशन करवा लो। और फॉर्म फिलअप का तो डेट हालांकि निकल गया है तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, जो लोग भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं। एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा कि हमारे वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जहां पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। आपको पता है वेबसाइट पे जो है कैसे आना है आपको। देखो ये हमारा वेबसाइट है ignucommercepathshala.blogspot.com। यहाँ पे देखो इग्नू एम कॉम के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जो भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, यहाँ पे देखो कोर्सेज का नाम लिखा हुआ है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के क्वेश्चन आंसर स्टडी करने हैं, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो बगल में देखो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स का लिंक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको स्टडी करना, अगर आपको रीड करना पसंद है, तो फिर इन दैट केस यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, है ना, जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज जो है आपको क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे। आंसर के लिए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।